आप तमाम लोग जानते हैं कि एमपी इम्तियाज जलील 2014 से जब से चुन के आए थे औरंगाबाद में उन्होंने स्पोर्ट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी और पिछले साल वो यूनिवर्सिटी तकरीबन सैंक्शन हो गई थी। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चिकलठाणे के करीब एक जगह भी फाइनल कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हमेशा की तरह इस मरतबा भी एनसीपी और शिवसेना इन दोनों ने मिलकर मराठवाड़ा के साथ एक मरतबा फिर अन्याय किया है, धोखा दिया है यहाँ की जनता को, यहाँ की अवाम को, और यहाँ से ये यूनिवर्सिटी पुनः शिफ्ट कर दी गई है। तो ये सीधा सीधा औरंगाबाद को जो युवा वर्ग है, जो यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ये इनके साथ नाइंसाफ़ी है। हालांकि इस सिलसिले में एमपी इम्तियाज जलील साहब हमेशा कोशिशें करते आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक। ये जो यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से पुणे शिफ्ट हुई है, इसके विरोध में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की सिटी और डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है, तो आने वाले बुधवार को वेनसडे के दिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक कलेक्टर ऑफिस पर एक धरना आंदोलन करने जा रही है। मेरी आप तमाम लोगों से, तमाम शहरियान से, तमाम यंगस्टर्स से जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं या उनके अपने रिलेटिव स्पोर्ट्स में हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ खड़े रहें, और ना सिर्फ आम जनता बल्कि स्पोर्ट्स लवर्स जो होते हैं, प्लेयर जो हैं, इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो हमारी इस आवाज़ को मजबूती फराहम करें, ताकि आने वाले दिनों में हमें फिर कोई, हमारे साथ कोई अन्याय ना हो, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इस मौके पे हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद है समीर साजिद साहब, वो आपसे अपील करेंगे। सर सर, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एक मसला है शहर का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको बीजेपी ने नागपुर लेके चले गई, शिवसेना ने मुंबई लेके चले गई, और अब एनसीपी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को जो तो पूरा शिफ्ट कर दी। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये आपस में मिलवाट के खा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर जो है तो औरंगाबाद की जनता पर, औरंगाबाद के यंगस्टर्स पर पड़ रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मुमकिन हो सका तो इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाल्लाह कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी। आने वाली 28 तारीख को जो कि वेनसडे का दिन है, परसों का दिन है, उस दिन जो है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कलेक्टर ऑफिस के सामने, कलेक्टर ऑफिस जो हमारे कलेक्टर साहब का ऑफिस होता है, उसके सामने जो है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन धरना आंदोलन देने जा रही है। ये धरना देने की वजह यह है कि जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि औरंगाबाद में जो 100 एकड़ के एरिया में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का एक बड़ा अचीवमेंट था जो हमको औरंगाबाद में मिला था, उस यूनिवर्सिटी को जो है तो एनसीपी और शिवसेना ने अपनी खींचतानी के चलते जो है तो उसको पुणे में लेकर चले गए हैं। ये कहीं ना कहीं जो है तो उद्धव ठाकरे साहब जो हमारे सीएम है, उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है कि औरंगाबाद से यूनिवर्सिटी आज जो है तो पुणे के लिए शिफ्ट हो गई है। तो इसी के खिलाफ मजलिस का ये धरना आंदोलन है। मैं तमाम नौजवानों से, तमाम मोहिबान मजलिस से, तमाम जो है तो जो स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ के लवर्स है, जो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, ऐसे तमाम मेरे दोस्तों से, बुजुर्गों से, हमारी माओ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाली 28 तारीख को जो कि वेनसडे का दिन है, दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देने वाली है। आप तमाम से शिरकत की गुजारिश है, इंशाल्लाह वहाँ पर आप सबसे रूबरू मुलाकात होगी।